नमस्कार साथियों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये हमारी पहली क्लास है और अब से हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100% स्कोर कर सकते हैं। इसी वजह से मैथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मैथ के चैप्टर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। साथियों, यहाँ मैथ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पार्ट फर्स्ट अर्थमेटिक मैथ, जिसे हम अंकगणित के नाम से जानते हैं, और पार्ट सेकेंड एडवांस मैथ होगा। साथियों, यदि चैप्टर वाइज बात की जाए तो मैथ में हमें 20 से 25 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिन्हें यहाँ हम 5 ग्रुप में कवर करेंगे। यदि हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। ये तीनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मीन्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। अगर ग्रुप सेकंड की बात की जाए तो इसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार थर्ड ग्रुप में रेशियो एंड प्रीपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज और एवरेज को पढ़ेंगे। फोर्थ ग्रुप में ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पार्ट फर्स्ट को हम 4 ग्रुप में कवर करेंगे। साथियों, पार्ट टू की बात की जाए जो एडवांस मैथ का है, उसमें हम ग्रुप फिफ्थ में सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स जिसमें मीन, मोड एंड मीडियन, और लास्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जीपी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैथ को 2 पार्ट्स में और 5 ग्रुप में कवर करेंगे। तो चलते हैं साथियों फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क पर। साथियों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितना भी मैथ हम पढ़ेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस, उसे हम कंसेप्ट प्लस लॉजिक से पढ़ेंगे। यहाँ हम एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क पर। साथियों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझेंगे। यदि हम बात करें कि कार्य क्या होता है, तो हम सभी ये जानते हैं कि एक निश्चित क्षमता से एक निश्चित समय में की गई इकाई को कार्य कहते हैं, मीन्स एक फिक्स एफिशिएंसी से फिक्स टाइम में की हुई यूनिट को कार्य कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्षमता इनटू समय बराबर कार्य। क्षमता को साथियों एफिशिएंसी कहते हैं। ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया हमारा कार्य, और इसे हम शॉर्ट में E इंटू टी बराबर W। साथियों, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। ये 3 वैल्यू हैं हमारे पास। किसी एक का पता करने के लिए हमें बाकी के 2 पता होना चाहिए। जैसे एफिशिएंसी इंटू टाइम होगा तो हमें वर्क पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो वो क्या होगा, W और T अपॉन में आ जाएगा, मतलब क्षमता बराबर होगा कार्य बटे में समय। ठीक इसी प्रकार यदि टाइम की बात की जाए साथियों, तो ये क्या होगा, W अपॉन में E, मतलब समय बराबर होगा कार्य अपॉन में कार्य क्षमता। साथियों, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक आदमी 1 घंटे में 5 बैग बनाता है, तो 3 घंटे में वो कितना काम करेगा,
मतलब हमें W चाहिए वर्ग। तो साथियों हमें पता है W के लिए E इंटू टी होना चाहिए। E मतलब इफिशियंसी, इसमें कितनी है उसकी, एक घंटे की 5, तो यहां हम लिख देंगे 5 इंटू समय कितना दे रखा है इसमें 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो हमारा कुल कार्य कितना आ जाएगा 15 बैग, मतलब उसने 3 घंटे में 15 बैग बनाए। साथियों यदि इसी में मैं इफिशियंसी की बात करूं कि उसकी क्षमता क्या है, तो आप कहेंगे उसके लिए हमें W और T पता होना चाहिए। तो W कितना है यहाँ पर, तो इफिशियंसी बराबर होगा W मीन्स 15 और बटे में T यानी समय कितना लिया था उसने 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आ गई उसकी 5। अगर यहीं पर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम क्या हो जाएगा साथियों, डब्लू अपॉन में ई, यानी डब्लू कितना है 15 और E कितना है उसका, इफिशियंसी कितनी थी 5, तो ये कितना आएगा साथियों 3। देखिए साथियों W कितना आ गया 15, इफिशियंसी हमने यहाँ पर कितनी लिखी थी 5, तो इफिशियंसी आपकी 5 आ गई। और टाइम की बात करें तो टाइम कितना आ गया 3, जो यहाँ हमने 3 लिखा था। साथियों मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। यदि मान लीजिए एक घंटे में 10 आम बेचता है, तो 5 घंटे में कितने आम बेचेगा, यानी यहां पर भी हमें क्या चाहिए W। तो हमें पता है W के लिए साथियों क्या होता है, E इंटू टी यानी इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क, यानी क्षमता इंटू समय बराबर कार्य, यानी उसकी क्षमता कितनी है यहां पर 10 एक घंटे में, टाइम कितना है 5, तो कुल कितने आम बेच देगा 50 आम। साथियों अब हम यहां पर इसी चैप्टर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। साथियों अगर मैं यहां पर बोलूं कि ए एक काम को 3 दिनों में करता है और बी उसी काम को 4 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो साथियों हमें पता है कि ए एक काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 4 दिन में। यदि मुझे यहाँ इनका कुल कार्य पता चल जाए कि कुल कार्य इन्होंने कितना किया, तो हम वहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो कार्य का पता करने के लिए साथियों हमें इनका एलसीएम लेना होगा। यहाँ हम एलसीएम मेथड लगाएंगे और जो एलसीएम आएगा वही हमारा कुल कार्य मीन्स टोटल वर्क होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है साथियों 12, यानी ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। साथियों अब हमें पता है इसकी इफिशियंसी मुझे चाहिए, तो इफिशियंसी क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है इफिशियंसी बराबर होता है W अपॉन में T, यानी कार्य बटे में समय। कार्य कुल कितना था 12, कितने दिन में किया इसने 3 दिन में, तो क्षमता कितनी आ जाएगी अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो इसकी इफिशियंसी 4 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 3। तो साथियों अब आपसे बोला गया था कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो यहां पर कुल कार्य कितना है 12 और दोनों मिलकर, दोनों मतलब ए और बी, और जब दोनों लोग मिलेंगे तो उनकी क्षमता भी दोनों एक साथ मिलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, तो एक दिन में फिर कितना यूनिट काम करेंगे 7, तो इस तरह से वो कितने दिनों में करेंगे, तो हम देखते हैं 7 एकम 7 और 5 शेषफल बचा तो शेषफल ऊपर और जिससे भाग दे रहे थे उसे नीचे लिखते हैं, यानी 1 सही 5/7 दिनों में करेंगे। साथियों इसमें 2 व्यक्ति और 2 से अधिक व्यक्ति भी आ सकते हैं, तो मैं आपको 3 लोगों का एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए मैं यहां कहता हूं कि राम किसी काम को 12 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है और सीता उसी काम को 20 दिन में करती है, तो तीनों मिलकर वो उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अगेन यहां पर हमें क्या चाहिए, कुल कार्य यदि हमें पता हो, टोटल वर्क पता चल जाए, तो इस क्वेश्चन को फिर हम कर सकते हैं। तो साथियों फिर हम अगेन यहां पर एलसीएम मेथड को यूज करेंगे, तो 12 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60, और यही हमारा क्या होगा टोटल कार्य होगा। साथियों एलसीएम कैसे लेते हैं मैं आपको यहां पर एक बार बता देता हूं, ये 12 ये 15 और ये 20, वैसे तो एलसीएम सभी को आता है लेकिन फिर भी मैं यहां आपको एक बार बता देता हूं। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये कितना होगा 3 से 4 और ये 3 से 5 और ये 20,
यहां मैं अगर इसे चार से काट दूं तो ये चार एकम चार, ये पांच और ये पांच। अगर मैं इसको पांच से काटूं तो ये एक और ये एक हो जाएगा। तो चार से पांच बीस और बीस से तीन साठ, यानी एलसीएम 60 आ गया, मतलब हमारा टोटल काम कितना है 60। तो साथियों अब मुझे राम की इफिशियंसी चाहिए यानी कार्य क्षमता। तो आप देखेंगे 60 और इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन में समय। तो कुल कितना काम था 60, राम ने कितने दिन में किया 12, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5। अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम ने 15 दिन में खत्म किया, मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 4। और वहीं मैं सीता की बात करूं तो सीता को कितना समय लग, कितनी इफिशियंसी आएगी उसकी 3। तो आगे आपसे क्या बोला गया था कि वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर सॉरी। तो हम यहां पर देखते हैं कि कुल कार्य कितना था 60, तीनों मतलब राम सीता और श्याम। तो आप देखेंगे यहां पर राम की इफिशियंसी 5, श्याम की 4 और सीता की कितनी है 3। तो यहां पर हम इनकी इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो 12 से यदि हम यहां पर डिवाइड करेंगे तो हमारा समय कितना आएगा 5 दिन लगेंगे। साथियों अब हम अपने इस कंसेप्ट के साथ अपने चैप्टर के फर्स्ट टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए साथियों अभी अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 9 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो साथियों हमें यहां पर टोटल वर्क पता करना है यानी एलसीएम। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो हम जानते हैं 9 और 6 का एलसीएम कितना आता है 18। तो अगर आपको पता है कि टोटल काम 18 था, ए ने 6 दिन में किया तो उसकी इफिशियंसी कितनी थी 3, अगर बी ने 9 दिन में किया तो बी की इफिशियंसी कितनी थी 2। तो वो दोनों मिलकर उस काम को, किस काम को, इस 18 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5। तो देखेंगे 5 से 3 15 पॉइंट लगा दिया और 3 बचे, 0 बढ़ाई तो 5 से 6 30, यानी 3.6 दिन में वो करेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा साथियों सी। साथियों यहां हमने जो एलसीएम लिया है आंसर इस एलसीएम से भी आ जाएगा और इस 18 के मल्टीपल में जितनी भी संख्याएं हैं जैसे 18 36 72 और आगे जितनी भी संख्याएं हैं, लेकिन वो सारी संख्याएं फिर एलसीएम नहीं कही जाएंगी, एलसीएम केवल 18 होगा। तो आंसर के लिए आप कोशिश करिए कि एलसीएम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, और जिन लोगों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है तो फिलहाल आप इनका आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनका जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा टोटल वर्क होगा। तो चलते हैं साथियों सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे बोला गया है ए और बी अलग अलग किसी काम को 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए साथियों ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो अगर हम यहां पर एलसीएम लें तो हमें पता है एलसीएम अब कितना आने वाला है 12, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी। तो टोटल काम कितना हो गया 12। तो ए ने कितने दिन में किया था 6 दिन में, 6 दिन में 12 काम किया, इसका मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी थी 2। और बी ने 12 काम 12 दिन में किया, मतलब उसकी पर डे इफिशियंसी कितनी थी 1। तो आपसे बोला गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि टोटल काम कितना है यहाँ पर 12, और दोनों मिलकर मतलब इन दोनों की इफिशियंसी को हम ऐड कर देंगे तो कितनी आएगी 3। तो कितना समय लगेगा साथियों 4 दिन, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। साथियों यदि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, तो अगले दिन मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 3 लोगों के लिए है, 3 व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो देखते हैं साथियों ए और बी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो साथियों 3 लोगों का क्वेश्चन भी अभी हमने एग्जांपल के तौर पर समझा था, यहां पर हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिनों में करता है,
तो यहां पर हम अगेन अगर एलसीएम लेंगे तो अब एलसीएम कितना आएगा, तो हम सब जानते हैं कि 24 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो अगर आपको बताए कि ए ने 24 काम किया है, 24 दिन लगे हैं, तो उसकी क्षमता कितनी रही होगी पर डे, 1 यूनिट। अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने इस 24 काम को 6 दिन में किया है, यानी इसकी क्षमता कितनी आने वाली है, 24/6, यानी इसकी क्षमता आएगी 4। और वहीं मैं अगर सी की बात करूं तो सी को 12 दिन लगे हैं, 24 काम था, यानी उसने पर डे 2 यूनिट काम किया है। तो आगे आपसे बोला गया है कि एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, किस काम को, इस 24 काम को, और वो तीनों मिलकर। तो तीनों का मतलब होता है इनकी इफिशियंसी एक साथ होना, यानी 1 और 4, 5 और 2, 7। तो अगर ये 7 से काम करेंगे, 7 की क्षमता से, तो आंसर कितना आने वाला है, 7 से 3 21, 3 शेषफल बचा, जो शेषफल होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं वो नीचे, 3 सही 3/7। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्वेश्चन में 3 लोग हैं, तो इस क्वेश्चन को भी और देखते हैं। तो ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, यदि तीनों साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए साथियों, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15। तो यहां हम अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आने वाला है साथियों, मैं यहां पर आपको बता देता हूं एक बार एलसीएम और कैसे लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेना वैसे तो सबको आता है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आप यहां पर देख लीजिए, और हम आगे इतने क्वेश्चंस करेंगे इसके कि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे किसका एलसीएम क्या होने वाला है। तो यहां पर अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार आएगा, 2 बार, ये 12 रहेगा, और 5 से ये कितना, 3। अगर आप इसको देखेंगे 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 1 बार, 2 से ये 6 और ये 3। अगर आप 3 से इसको देखेंगे तो ये कितना आने वाला है, 1, ये 2 और ये 2 और ये कितना होगा, 1। तो आप देखेंगे 2 से 3 6, 6 दूनी 12, 12 से 5 60, यानी एलसीएम कितना आने वाला है, 60, यानी ये कुल कार्य हो गया। तो ए ने कितने दिन में किया था इसे, 10 दिन में, यानी अगर आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी क्षमता कितनी आएगी, 6। अगर हम बी को देखें तो बी ने कितने दिन में किया था, 12, और अगर आप 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो यहां इसकी क्षमता कितनी आने वाली, इफिशियंसी 5। अगर हम सी की बात करें तो सी ने 60 काम को 15 दिन में किया, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई साथियों, 4। तो आगे आपसे क्या बोला गया है कि तीनों साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कितना काम है टोटल, 60, तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, 6 और 5 11, 11 और 4 15। अगर आपको 60 काम 15 की क्षमता से करना है तो कितने दिन में कर लेंगे साथियों, 4। तो आंसर क्या आने वाला है, सी। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है, तो एक महिला अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखिए साथियों, एक मैन है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन, और एक वुमेन है, अच्छा एक मैन प्लस एक वुमेन, एक सेकेंड साथियों, एक मैन एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर, अच्छा एक सेकेंड, इसमें लिखा गया, इसमें बोला गया है एक मैन और एक वुमेन, यानी आप एक को नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। आगे बोला गया है एक पुरुष काम को 10 दिनों में, यानी एक मैन अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है साथी, 10 दिनों। यहां हम एलसीएम लेंगे तो हम सब जानते हैं एलसीएम कितना आने वाला है, 40, क्योंकि 40 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगी और इससे भी। अब आप देखेंगे 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आने वाली है 5, और 10 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी साथियों, 4।
तो आगे आपसे बोला गया है कि एक अकेली महिला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखिए साथियों, यहाँ पर जो एक मैन और एक वुमेन की क्षमता कितनी है, 5, मतलब दोनों मिलकर अगर वो काम करें, मैन प्लस वुमेन दोनों मिलकर काम करें तो काम की क्षमता कितनी है उन दोनों की, 5। और मैन की मैं बात करूं, मैन कितना काम कर लेता है अकेला एक दिन में, 4। तो आप बताइए, मैन प्लस वुमेन मिलकर 5 काम करते हैं जिसमें मैन अकेला 4 कर देता है, तो वुमेन कितना करती होगी साथियों, 1। तो आपसे पूछा गया था वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेगी, तो 40 काम है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, ये एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो आंसर क्या आने वाला है, 1 अगर 40 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 40 ही रहने वाला है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है साथियों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए किसी काम को एम दिनों में करता है तथा बी उसी काम को एन दिनों में करता है, यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए साथियों, ए एक काम को एम दिनों में करता है, बी उसी काम को एन दिनों में करता है। देखिए साथियों, अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी, पर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ना देते हुए उस क्वेश्चन ने अल्फाबेट वैल्यू दे रखी है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं अभी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊं कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 4 दिन में करता है, तो हम एलसीएम क्या लेते थे, 12, और ये 12 एलसीएम कैसे आता था, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो हम सेम इसमें भी करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, मतलब कुल कार्य कितना होगा, एम इंटू एम या एन इंटू एम, ये कुल कार्य होगा। आप देखते हैं टोटल वर्क है, ए को कितने दिन लगे, एम, तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में ई, डब्ल्यू कितना है, एम और एन, और इसको कितना समय लगा, सॉरी ये टाइम है, तो इसको कितना समय लगा, एम, तो एम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एफिशिएंसी उसकी आएगी एन। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बी को डिवाइड करेंगे यहां से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, एन। तो आगे आपसे बोला गया है यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो दोनों मिलकर उस काम को, किस काम को, एम प्लस एन काम को, और दोनों मिल जाएंगे तो आंसर कितना आने वाला है, एम प्लस एन, क्यों, क्योंकि ये दोनों की क्षमता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ये रहा आपका डी। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे मैं कल या आगे की क्लास में उसे क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें साथियों, इसमें लिखा हुआ है एक्स अलग अलग किसी काम को पूरा करने में 4 घंटे और उसी काम को करने में वाई को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर। देखिए साथियों, अभी तक जो काम था वो दिनों में हो रहा था, तो अब जो काम है वो घंटों में होगा और आगे चलकर मिनट में भी होगा, तो काम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो हम देखते हैं एक्स किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 घंटे में, और वाई उसी काम को कितने में करता है, 8 घंटे में। तो हम यहां पर एलसीएम क्या लें, तो एलसीएम हम सब जानते हैं कितना आने वाला है, 8, क्यों, क्योंकि 8 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी, तो इसकी इसने टोटल काम कितना किया, 8, क्षमता कितनी थी, 4, यानी 4 घंटे में किया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1। तो आपको बोला गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप देखिए काम कितना था टोटल, 8, दोनों मिलकर मतलब x और y, तो x और y की क्षमता मिल जाएगी तो कितना आएगा, 3। तो अब देखिए साथियों, इसका आंसर जो आने वाला है उसके पहले हम एक बार ऑप्शन चेक कर लें, तो ऑप्शन हमें मिनट में दे रखे हैं और ये जो एफिशिएंसी आई है वो घंटे के हिसाब से है, तो हमें पता है अगर हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यूनिट जो घंटे में थी वो मिनट में बदल गई, और 3 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार, 20, और 8 से 20 कितना होगा, 160 मिनट, यानी आंसर क्या आने वाला है साथियों, ये अगर हम इसको एक बार फिर देखें तो ये कितना था, 8, और इन दोनों की क्षमता कितनी थी, 3। तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और आप देखेंगे ऊपर कितना शेष बचा, 3 × 2 = 6, तो 2 शेष बचा और 3 से भाग दे रहे थे, तो इस तरह से इसका ये आंसर भी सही है, पर ये आंसर क्या है, आवर्स में है, मतलब घंटे में है। आई होप साथियों आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी, तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। साथियों आज ये हमारी पहली क्लास है, तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन मिले, और लाइक करें और कमेंट करें कि आज की आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।